हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सब के रिडक्शंस को, ठीक है, उन सब के जो रिडक्शन वाले रिएक्शंस है और उनका रिडक्शन कैसे होता है, किस मैकेनिज्म से होता है, जहाँ जहाँ जरूरत है, ठीक है, वो हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले रिडक्शन होता क्या है, ठीक है। रिडक्शन ऑलरेडी हम रिडॉक्स जो चैप्टर है हमारा 11th वाला, ठीक है, उसमें हम पढ़ चुके हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन पुरानी डेफिनेशन जो हमारी हुआ करती थी, ठीक है, उसमें अलग हुआ करती थी, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है आजकल हम कहते हैं सिंपल सा, हर एक एलिमेंट का एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, भले वो ग्राउंड स्टेट में हो या कंबाइन स्टेट में हो या फ्री स्टेट में हो। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, और उस ऑक्सीडेशन स्टेट से वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन सिंपल क्या है, रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर किसी में ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों ओल्ड डेफिनेशन से, यानी ठीक है, लेकिन ये ओल्ड डेफिनेशन या ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करती है कि हम तो देखते हैं हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है क्या, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। फिर इसमें बाद अगर हमें रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन करवाने के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर देता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, नहीं मतलब रिडॉक्स रिएक्शन पैरेलल होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, दोस एलिमेंट और कंपाउंड विच रिड्यूस अदर एलिमेंट और कंपाउंड एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है, दूसरे को तो क्या करे, रिड्यूस करे और खुद कैसा हो जाएगा, फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उस एलिमेंट या कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर हमें वन बाय वन पढ़ना है कि अल्टीमेटली रिड्यूसिंग एजेंट को ही पढ़ना है और हर एक रिड्यूसिंग एजेंट किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करेगा और कैसे करेगा वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारा है, ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले आप वीडियो पॉज करके। तो फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है LAH, शॉर्ट में बोलते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिख लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में LAH, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, नेक्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 जिसका फॉर्मूला होता है, और इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा Li+ और AlH4-, ठीक है, ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट, एक्चुअल में है क्या ये, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी, ठीक है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, तो लिथियम होता है उस पर तो होता है प्लस चार्ज, ये होता है कैटायन, और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जनरली हम प्रोटोनेशन कराते हैं या कुछ भी हम बोलते हैं डी प्रोटोनेशन H+, यहाँ जो हाइड्रोजन है ना वो होता है नेगेटिवली चार्ज, हाइड्राइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऐसे चार हाइड्राइड होते हैं यहाँ पे, चार हाइड्राइड मिलेंगे आपको यहाँ पे,
और ये सभी क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, एरो लगा दिया मैंने सभी में, और सभी क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। एल्यूमिनियम का यहाँ प्लस थ्री चार्ज होता है, यानी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ये। तो एक दो तीन चारों हाइड्रोजन, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन होता है। तो देखना प्लस थ्री इसके ऊपर है और एक दो तीन चार माइनस चार, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, माइनस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज होगा, बाहर एक प्लस है एक बाहर माइनस, तो इसको क्या कर रहा है कैटायन, ठीक है, कैटायन नॉर्मल है और एनायन हमारा कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट है, तो कैटायन एनायन बैलेंस हो रहा है। और ये इनके पास, ठीक है, हाइड्रोजन के पास जो अपना लोन पेयर है, ठीक है, एच माइनस के पास, वो क्या कर रहा है एल्यूमिनियम को ये डोनेट कर रहा है इस तरीके से। इसका जो, ठीक है, ये तो जनरल कॉमन नेम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और शॉर्ट में हम LH लिख देते हैं, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ट्वेल्थ का जो टॉपिक है उसमें इनके IUPAC नेमिंग भी करते हैं, तो इसका जो IUPAC नेम होता है, ठीक है, इसका जो IUPAC नेम होता है ये होता है लिथियम, ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनिक में IUPAC नेमिंग करते हैं वैसे यहाँ पे भी करते हैं, और इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, और इसके रूल्स थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में। लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो, ठीक है, एल्यूमिनेट और रोमन नंबर में लिखा है मैंने थ्री, जिसका IUPAC नेम है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, IUPAC नेमिंग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की करते हैं तो सबसे पहले कैटाइन का नेमिंग होती है, उसके बाद एनायन का। अगर कैटाइन नॉर्मल है तो नॉर्मल ही लिखना है, अगर कैटाइन कॉम्प्लेक्स होता है तो इसका भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब ब्रैकेट में जो दे रखा है। अब ब्रैकेट में नेमिंग कैसे होती है, हमेशा ये कहलाता है सेंट्रल एटम और बाकी ये सब क्या कहलाते हैं, लिगेंड। एक टाइप के लिगेंड हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी लिगेंड हो सकते हैं, एक से अलग टाइप के भी लिगेंड हो सकते हैं। तो नेमिंग का, जब कॉम्प्लेक्स की हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, यानी, ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड हमारे पास कौन है, हाइड्राइड, तो एनायनिक लिगेंड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्राइडो। तो चार है, एक दो तीन चार, तो टेट्रा हाइड्राइडो, ठीक है। उसके बाद अगर और कोई लिगेंड होता, ठीक है, तो उसका नाम लिखते, और कोई होता तो जितने भी लिगेंड है लिगेंड के नाम पहले लिखे जाते हैं, और किस में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। जैसे एच है तो हाइड्राइडो, मान लो CL होता तो क्लोराइडो लिख देता, ठीक है, तो एच और CL में से पहले कौन सा होता है, क्लोराइडो। तो इस तरीके से पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाता है, तो एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में हमेशा, ठीक है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है सेंट्रल एटम की, और वो भी रोमन नंबर में, ठीक है, नॉर्मल थ्री लिख दोगे, फोर लिख दोगे, नहीं, रोमन नंबर में लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका IUPAC नेमिंग है, और रूल्स डिटेल में हम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास LAH के बारे में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, AlH4 है, जिसको इस तरीके भी लिखा जाता है, और ये एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, शॉर्ट में LH भी बोल देते हैं, और IUPAC नेमिंग इसकी ये है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले। अब स्टार्ट करते हैं, ये किस किस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये जो रिड्यूस करता है, ठीक है, ये किस किस का रिडक्शन करता है, कैसे करता है, वहाँ से स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीटोन से स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन ऑफ कीटोन बाय LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, कीटोन का रिडक्शन करें तो यहां पे इन जनरल ले लेता हूं मैं कोई भी कीटोन, R1, R2, LiAlH4 की रिएक्शन करा दी, और सेकंड H+H2, ठीक है। अब इसका मतलब समझ में आने लग गया होगा, LiH+H2 का मतलब इसका प्रोटोनेशन कर देना सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो अगर ऐसा करोगे इसमें, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, आपको R1CHOH और R2, ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, नहीं,
टू डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल मैं बोल सकता हूँ। जब भी मैं कीटोन का रिडक्शन करूँगा LH से या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो मुझे क्या मिलेगा, टू डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, फिर से ये टू डिग्री एल्कोहल बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया। ठीक है, रिडक्शन से, कीटोन की रिडक्शन से भी हम टू डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। अब आ जाए इसमें इसका मैकेनिज्म। ठीक है, ये रिएक्शन होती कैसे है? ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके। ठीक है, ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ग्रिगनार्ड में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखते हैं इसको कैसे होती है। सी डबल बॉन्ड ओ आर वन, सॉरी, ठीक है, हमारे पास पहले रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास है एल आई ए एल एच फोर। ठीक है, ये किस में है हमें पता है, आयोनिक बॉन्ड है इसमें एल आई प्लस और किसमें ए एल एच फोर माइनस। ठीक है, इसमें तो ब्रेक हो ही जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैटाइन इसमें आयोनिक बॉन्ड था। फिर उसके बाद जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या करता है, ए एल एच थ्री प्लस एच माइनस में ये ब्रेक हो जाता है, मतलब हाइड्राइड यहाँ से निकाल देता है। ठीक है, ए एल एच फोर जो माइनस था उसमें से ए एल एच थ्री प्लस इसमें से हाइड्राइड निकाल देता है। ये जो हाइड्राइड इसने निकाला है, ठीक है, ये जो हाइड्राइड निकाला है वो यहाँ पे रिडक्शन का काम करता है। नहीं, कैसे करता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ आर वन आर टू ये इस हाइड्राइड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, यहाँ देखें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के अंदर हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, और बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन में ईएन डिफरेंस है तो पोलर भी होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब एच कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास। ठीक है, तो कहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ। ठीक है, तो डेफिशिएंट एंड यहाँ है तो यहाँ से इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे इस तरीके शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सी ओ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आर वन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्राइड आ गया, मतलब यहाँ हो गया आर टू। ठीक है, ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। बस पहले स्टेप में हमने एल आई एच फोर से रिएक्शन कराई तो एल आई एच फोर पहले खुद तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होके हाइड्राइड दे देगा और वो हाइड्राइड फर्स्ट स्टेप में इसके साथ रिएक्शन करके क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल लोन पे डोनेट कर रहा है। सेकेंड स्टेप में इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो प्रोटोनेशन में जो ओ माइनस है ये एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से सी ओ एच आर टू एच और आर वन। ठीक है, तो यही यहाँ पे देख लो टू डिग्री एल्कोहल क्या बन रहा प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हुआ हाइड्राइड का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, यहाँ पर एडिशन हुआ और यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है किस तरीके से रिड्यूस होता है। ठीक है, रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फिर देखें हम एल्डिहाइड का। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कई बार जब रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा होता है जनरली चेन रिएक्शंस, ठीक है, जैसे एक रिएक्टेंट दे दिया उससे ए बना, फिर कुछ दिया बी बना, सी बना, डी बना, तो कई बार ये प्रोटोनेशन वाला ये H प्लस H2 इसके साथ नहीं दे रखा होता है, सिर्फ LH बना के छोड़ देंगे, लगा के मतलब एरो के ऊपर
आपको रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा होगा, ठीक है, वहाँ पे सॉल्वेंट या प्रोटोनेशन के लिए एच प्लस नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कंपाउंड यही बना के छोड़ दें, यानी कि सर दे नहीं रखा तो प्रोटोनेशन नहीं, अगर दे रखा है तब तो वेल एंड गुड, अगर रिडक्शन को रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है और प्रोटोनेशन के लिए कुछ नहीं दे रखा तो भी हमें बाई डिफॉल्ट इसको क्या कराना, प्रोटोनेशन करवाना ही है, ठीक है। तो कई बार आप ऐसा ढूंढो कि भाई प्रोडक्ट ये दे रखा हो और तुम ये ढूंढ रहे हो कि सर प्रोटोनेशन तो दे नहीं रखा उसमें, ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए कुछ दे नहीं रखा सॉल्वेंट वगैरह, तो मैं कैसे प्रोटोनेशन करा दूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो रिएक्शन हो ही रही होगी, ठीक है, और जनरली किसमें होती है, कुछ नहीं दे रखा तो एक्वस मानेंगे तो एच प्लस वहां से मिल जाएगा, तो दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा है तो भी बाय डिफॉल्ट उसका क्या कराना, प्रोटोनेशन करवाना ही है, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट कीटोन का रिडक्शन, कॉपी कर ले एक बार। अब बात करते हैं एल्डिहाइड का, ठीक है, सेकंड है एल्डिहाइड की रिडक्शन की बात करते हैं। एल्डिहाइड में क्या है, बस यहां से एक आर हटा के मैं क्या लगा दूं, एच लगा दूं, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन जब मैं इसकी कराऊंगा तो यहां से एक आर हटा के और ठीक है एक आर हटा के यहाँ पे एच आ जाएगा, तो यहाँ से दिख ही रहा है आपको क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, रहना ये भी कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहाँ बस मैं क्या करूँ, R2 मैंने हटा दिया और यहाँ मैंने लगा दिया H, यहाँ से भी R2 हटा दिया और यहाँ से भी R2 हटा दिया, तो ये हो गया H और ये हो गया वापस H, ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म है, एल्डिहाइड कीटोन हो या एल्डिहाइड, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं बस ये ध्यान रखना जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे एलएच से तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर मुझे 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो मैं क्या लूंगा हमेशा एल्डिहाइड, अगर मेरे को 2 डिग्री अल्कोहल बनाना तब क्या लूंगा मैं कीटोन, ठीक, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। सो कॉपी कर ले, अब कुछ इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, मैकेनिज्म इसको समझ लेना कौन कहां पर ऐड हो रहा है, ध्यान रखना पहले स्टेप में जो एल्यूमिनियम से जो हाइड्रोजन या हाइड्राइड जो मिल रहा है वो हमेशा कार्बन से अटैच होता है, और प्रोटोनेशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर अटैच होता है, तो बोला सर इस पे क्या फर्क पड़ता है, तो दोनों एच ही, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है वही देख लेते अभी, है ना, लिखे क्वेश्चन इसमें, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म जहाँ ज़रूरत है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कहीं पे तो उसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी है और कहीं पे एनसीईआरटी में दे रखी तो स्कूल बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस, और कहीं पे रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन को समझना या याद रखना आसान होता है, तो हर कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि हर, ठीक है, 100 रिएक्शन है तो 100 के 100 नहीं बता सकता, ठीक है, जहाँ ज़रूरी नहीं है या शॉर्ट ट्रिक है वही वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करें। क्वेश्चन लिखे, राइट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट दे दिया मैं सी डबल बॉन्ड एच एच एल आई ए एल एच फोर ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिखे, सेकंड
ठीक है। तो अब डिफरेंस समझ में आने लग गया होगा, ठीक है, अगर आपने मैकेनिज्म आपको समझ में आया। देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट देखिए सिंपल सा ही है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, वहाँ पहले क्या लग जाएगा, फर्स्ट स्टेप में H लग जाएगा और उधर क्या जाएगा O माइनस, और सेकेंड स्टेप में यहाँ से H प्लस चला जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास पहले स्टेप में यहाँ पर H लगता है कार्बन पे, सेकेंड स्टेप में जो O माइनस हुआ वहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है, वहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है, यहाँ पे O माइनस है सेकेंड स्टेप में, प्रोटोनेशन इसका होता है। नहीं अब समझना सेकेंड से डिफरेंस समझ में आएगा। इस बार Li AlH4 नहीं दे दिया, D4 दे दिया, D4 मतलब ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब जब रिएक्शन होगी तो इससे रिएक्ट कौन करेगा, अब D माइनस जाएगा, ठीक है, D माइनस जाएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा, यानी आ रही बात समझ में, तो कार्बन से कौन अटैच होगा, D। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में CH3 O माइनस, यहाँ पर आएगा D और यहाँ पर है H, और सेकेंड स्टेप में फिर से, ठीक है, सेकेंड स्टेप में फिर से इस बार भी प्रोटोनेशन जो करा रहे किससे, D प्लस D2 से करवा रहे, तो इधर भी कौन ऐड हो जाएगा, D, ठीक है, जैसे वहाँ H होता पहले यहाँ पर H माइनस आता था, वहाँ से यहाँ पे D माइनस आया, फिर प्रोटोनेशन होकर यहाँ H प्लस लगता है तो यहाँ पे D प्लस लगेगा, तो ये हो जाएगा CH3COD, यहाँ पे D और यहाँ पर H, सही है। इसमें देखें इसमें डिफरेंस क्या आएगा, पहले यहाँ से क्या जाएगा, H जाएगा, H जाएगा तो क्या लगेगा, कार्बन से H माइनस के फॉर्म में, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CO माइनस, और यहाँ पे पहले H लग जाएगा और ये CH3, उसके बाद यहाँ पे जो अब देखना, यहाँ पे H प्लस नहीं दे रखा, इस बार क्या दे रखा है, D प्लस, तो CH3CO D CH3 और यहाँ पर H, ठीक है। तो मैकेनिज्म पता होगा तभी सही जगह सही चीज़ लगा पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ D लगाना है और कहाँ H लगाना है, ठीक है। इस कॉपी करें एक बार इसको जल्दी से, नेक्स्ट देखें फोर्थ, ठीक है, इसका और प्रोडक्ट आप बनाएं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या, यहां से डी जाएगा इस कार्बन पे, तो ये हो जाएगा ओ माइनस और यहां पर डी लगा फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में यहां से एच प्लस जाएगा और एच प्लस से इसका प्रोटोनेशन होगा, तो ये हो जाएगा ओ एच और यहां पर डी। ठीक है, तो फर्स्ट में तो ऐसा सच कुछ नहीं था, बाकी कुछ लोगों ने शायद हो सकता है ऑब्जर्व कर लिया जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए सेकंड जो हमने बनाया इसका प्रोडक्ट, कुछ देखने से पता लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे डी सी एस थ्री एच ओ डी, कार्बन चार वैलेंसी और चारों जो ग्रुप है उसके क्या अलग अलग है, तो ये कैसा हो गया, कायरल सेंटर हो गया। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके, और दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, आर फॉर्म एंड एस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, कायरल सेंटर, ठीक है, तो आर फॉर्म भी बनेगा एंड एस फॉर्म भी बनेगा, एनेंशुमर्स बनेंगे या एनेंशुमरिक मिक्सचर बनेगा, रेसिमाइजेशन पॉसिबल है लेकिन रेसिमिक मिक्सचर होगा वो तभी कह सकते हैं जब इक्वल क्वांटिटी या इक्वल अमाउंट में बनेगा, ठीक है, लेकिन रेसिमाइजेशन अगर पूछे रेसिमाइजेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है लेकिन होगा ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा, लेकिन आप प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर आ रहा है। इसी तरीके से इसमें देखें तो यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे CH3 सेम ग्रुप हो गया, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। फोर्थ के अंदर देखें तो यहाँ पर भी देखें ये मिथाइल अलग हो गया, इथाइल अलग हो गया, OH अलग हो गया, D अलग हो गया, तो यहाँ पे भी क्या है,
कायरल सेंटर है तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे आर एंड एस, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। यानी एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। ठीक है, चलो यही रन देता हूँ। रिएजेंट इसका प्रोडक्ट बनाए और कितने प्रोडक्ट बनेंगे आप ये भी बता दें साथ में। ठीक है, पहले मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ। तो डी, इस कार्बन पर डी लगना और प्रोटोनेशन होने के बाद भी इधर डी लगना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसका। ठीक है, ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो यहां पर देखना, अब एक दो वैलेंसी और यहां पे वन और टू पे मिथाइल लगा हुआ है, आपकी वन टू पे कुछ नहीं, दो हाइड्रोजन ही है, तो इसकी चारों वैलेंसी अलग होगी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कायरल सेंटर। तो दो बनेंगे प्रोडक्ट आर और एस, ठीक है। प्रोडक्ट बनेंगे इसके दो आर और एस, लेकिन ठीक है किसी ने ध्यान से ऑब्जर्व कराओ तो ये जो पहले से हमें दे रखा था, क्योंकि इसने क्या दे दिया, जो इधर मिथाइल लगा हुआ, ठीक है, इधर जो मिथाइल लगा हुआ, इस मिथाइल को उसने फिक्स कर दिया। किस पे, किस पोजीशन पे, ये वैज पोजीशन पे, डैश पे नहीं है, वैज पोजीशन पे। तो वैज पोजीशन पे मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स हो गया, कुछ भी होगा, आर होगा या एस होगा, लेकिन वो फिक्स हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। और कैसे, ये मिथाइल, एक होगा हाइड्रोजन, और यहाँ से देखना वन टू पे ऑक्सीजन आ रहा है, जबकि वन टू पे दो हाइड्रोजन आएंगे। तो ये ऑलरेडी पहले से जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें कायरल सेंटर था, और क्या अभी भी कायरल सेंटर है, बिल्कुल अभी भी ये कायरल सेंटर है ही, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो एक कायरल सेंटर पहले से था, एक कायरल सेंटर प्रोडक्ट बनने के बाद जनरेट हुआ है। तो बताए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, चार दो तीन एक, ठीक है। तो एक दो तीन चार, ठीक है, चार ऑप्शन है तो चार रख देता हूँ। और सही आंसर है इसका दो, प्रोडक्ट तो दो ही बनेंगे। यानी कैसे बनेंगे सोच ले एक बार, ठीक है। दो प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, सुनना ध्यान से ना, इसको मैं, चलो मैं प्रोडक्ट ही बना देता हूँ ना। देखो अगर ये प्रोडक्ट बना है तो कैसे बनता है, दो प्लेन में मान लेता हूँ, एक को वैज पे मान लेता हूँ और एक को किस पे मान लूँ अभी मैं, डैश पे। जो दूसरा इसका प्रोडक्ट बनेगा, अब की बार ये क्या हो जाएगा, डैश पे, और ये किस पे हो जाएगा, बैच पे हो जाएगा। देखना कायरल सेंटर तो ये अभी भी है, ये भी कायरल सेंटर अभी भी। और कोई प्रोडक्ट बना सकते हो क्या इसका, ठीक है, मैंने तो बना के दिखा दिया फिर भी। तो प्रोडक्ट बनने दो ही। अब लॉजिकल कैसे करते हैं, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया इसको कार्बन नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने वन दे दिया और इसको कार्बन नंबर मैंने टू दे दिया। तो कार्बन नंबर समझना, वन और कार्बन नंबर टू, ये वन है और ये टू है। तो वन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो लेकिन वो तो सेम ही रहना है रिएक्शन से, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये अभी अगर वैच पे तो वैच पे रह रहा है, रिएक्शन होने से थोड़ी डैश पे चला जा रहा है। तो अगर मान लिया इसका कॉन्फ़िगरेशन आर था तो भी आर ही रहना है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन एस मान लो तो भी एस ही रहना है। तो इसका आर और एक बार मैंने मान लिया इसका आर, तो एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें दोनों आर होंगे। अब दूसरा जो प्रोडक्ट बना इसमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मैंने ये मान लिया इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे आर है और इसका भी क्या है, यहाँ पे आर है, ठीक है, मान ले रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे अभी भी देखो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन आर ही रहना, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब इसका आर इसका उल्टा बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो दूसरा भी आर ही रहना है और ये हो जाएगा एस। तो प्रोडक्ट तो फिर भी, ठीक है, प्रोडक्ट तो फिर भी दो ही बनने, यानी ठीक है प्रोडक्ट तो फिर भी क्या बनने, दो ही।
ठीक है। तो फिर से मैं कहता हूँ, जीओसी और आइसोमरिज स्पेशली ऑप्टिकल, तो ये आपका साथ ऑर्गेनिक जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक छूटेगा नहीं। तो इन चीज़ों को जितना आप क्लियर रखो और जितना बार बार जितना हो सके रिवाइज कर सको उतना करो, ताकि क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। ये आ रही है दोनों केस में, दोनों केस में आ रही है, और एक में आर होगा एक में एस होगा। तो ये एक कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, और मैंने बना के भी दिखा दिया। अगर इसको एस मान लेते तो यहाँ पर एस एस आ जाता, तो एक प्रोडक्ट बनता एस आर और एक बनता एस एस, बस। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इस केस में एक R बन रहा था एक S बन रहा था, दो जो कंपाउंड बन रहे थे दोनों एनेंशियोमर्स थे, क्या ये दोनों कंपाउंड एनेंशियोमर है? क्या ये दोनों कंपाउंड एनेंशियोमर होंगे एक दूसरे के? ठीक है, तो बिल्कुल, अगर कोई कह रहा है एनेंशियोमर है तो बिल्कुल गलत है। दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स होंगे, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स है, और कॉन्फिगरेशन से भी देख सकते हो। अगर एनेंशियोमर होते, ठीक है, तो ये आर आर है, तो एनेंशियोमर क्या होने चाहिए थे इसके, ठीक है, एस एस होना चाहिए था, आ रही बात समझ में? लेकिन R का R सेम, और R का R होता तो भी मैं बोलता सेम आइडेंटिकल। अगर R का S और R का S होता तो मैं क्या बोलता, एनेंशियोमर। R का R और ये R का S, मतलब एक तो सेम है एक अलग है, तो ये अलग अलग कंपाउंड हो गए, कैसे हो गए, डाइस्टीरियोमर्स। और देख सकते हो अगर ये वैच पे है, अगर इसकी मिरर इमेज बनती तो कहाँ बनती, डैश पे बनती, लेकिन ये भी कहाँ बन रही है, वैच पे, वैच पे, तो वैसे भी कह सकता हूँ। तो ये दोनों कैसे होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखे, छोटी छोटी चीज़ें बार बार आती रहेगी, जहाँ जहाँ आती रहेगी मैं बिल्कुल बताता रहूँगा, और जब तक इन चीज़ों को आप, ठीक है, खुद नहीं पीछे पड़ जाते सीखने समझने के लिए, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर ले। ठीक है, तो अभी तक दो कंपाउंड का हम देख चुके, एक एल्डिहाइड का और एक कीटोन का। अब बात करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ एसिड का। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव की हम बात करते हैं। तो थर्ड कंपाउंड लिखें, ठीक है, थर्ड कंपाउंड जिसका हमें रिडक्शन कराना है वो है एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ एसिड, कुछ भी लिख ले। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, तो यहां पर क्या आता है OH, उस OH को हटा के कोई भी दूसरा ग्रुप लग जाए तो वो कहलाता है एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये जो L है लिविंग ग्रुप है, क्या कुछ भी हो, नहीं, तो ये स्पेसिफिक ग्रुप कहलाते ही, तो कौन कौन हो सकते हैं, ये L, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, एस्टर हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और एनहाइड्राइड हो सकता है। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप इनकी जगह, ठीक है, कॉमन सब एक एक को अलग अलग पढ़ने की जगह मैंने एक साथ ले लिया सारे ऐसे डेरिवेटिव को। ठीक है, तो बस L की जगह ये इनमें से कुछ भी लगा हो, ठीक है, तो उसका भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। यानी अब कैसे करेंगे इसका रिडक्शन, तो देखना रिएक्शन, अगर हमारे पास C, चलो ये लिख देते हैं, इसका रिडक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा, और इसका क्या करा दिया हमने, प्रोटोनेशन करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आर सी ओ एच एच और एच, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव का जब भी आप, ठीक है, क्या करा दोगे, रिडक्शन करा दोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, देखें
ठीक है, उसका जो एल्डिहाइड कीटोन का होता था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल आ गया, वहाँ पे कोई एल नहीं था लिविंग ग्रुप, यहाँ पर एल एक लिविंग ग्रुप आ गया, तो एक बार एडिशन होगा और एक बार एलिमिनेशन होगा किसका, लिविंग ग्रुप का। तो देख सकते हो यहाँ पे ये बॉन्ड हटा के एक इधर एच लगाते थे और एक इधर एच लगाते थे, वो तो अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन ये लिविंग ग्रुप एल को हटा के भी यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एच। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है, इसमें एलिमिनेशन भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो कॉमन ही है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इसमें जो हमारे पास AlH4 जो माइनस है, ये हमें AlH3 प्लस H माइनस हाइड्राइड दे देता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे RL यहाँ पे हाइड्राइड है, कार्बन पर अटैक करेगी, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, नहीं तो ये बन जाएगा CO माइनस आर एच और ये L। ठीक है, हाइड्राइड का एडिशन हुआ। उसके बाद अब सेकेंड स्टेप में या प्रोटोनेशन डायरेक्ट नहीं होता है, नहीं प्रोटोनेशन डायरेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि या O के ऊपर माइनस, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में वो रहना नहीं चाह रहा है, या तो जल्दी से आगे प्रोटोनेट हो जाए, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है इसके बाद, प्रोटोनेट होने की जगह ये पाई बॉन्ड को वापस रिवर्ट करता है और यहाँ से क्या करता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है। नहीं तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप एलिमिनेशन होता है इसमें। और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें सी डबल बॉन्ड आर और यहाँ पर एच। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड डेरिवेटिव से किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास एल्डिहाइड में। अब फिर से इसमें क्या करा दो, एडिशन करा दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो दो स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले के अंदर हाइड्राइड ऐड होके लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो एसिड डेरिवेटिव से, ऐसे भी बोल सकते हैं अगर मेरे को, ठीक है, वैसे तो स्ट्रांग होता है तो रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है आगे, रुकने का मतलब है कि मैं चाहूँगी एसिड डेरिवेटिव से मैं क्या बना लूँ, एल्डिहाइड या कीटोन बना लूँ, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कीटोन तो वैसे भी नहीं बनेगा, हाँ एल्डिहाइड बनाना चाहता हूँ इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये एच माइनस वापस आके इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। ठीक है, वापस आके इस पर अटैक कर देगा, तो ठीक है इसी के चलो मैं आगे लिख देता हूँ कंटिन्यू। यहाँ से जो एच माइनस है फिर से इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बना लेगा सी ओ माइनस आर एच और एच, और फिर लास्ट स्टेप में इसका क्या करा देंगे, प्रोटोनेशन करा देंगे। अब कोई रिडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, तो अब इसका प्रोटोनेशन करा देंगे, तो ये हो जाएगा सी ओ एच आर एच और यहाँ पर एच, यहाँ वापस से एडिशन हो रहा है और यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, देख लेना, ये एडिशन लिखा है, एलिमिनेशन लिखा है, फिर से एडिशन हो रहा है हाइड्राइड का और लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले गैस में एडिशन एलिमिनेशन और सेकेंड स्टेप में सिर्फ एडिशन और उसके साथ प्रोटोनेशन। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, इसको कॉपी कर ले एक बार और इस पे भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो लिख ले इसमें क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन।
फर्स्ट लिखे इसमें, ठीक है, शॉर्ट में LH लिख दिया मैंने, ठीक है, सेम ही लिख लेना फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इसके प्रोडक्ट लिखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एडिशन एलिमिनेशन, मतलब यहां पर एक एच ऐड होगा और सीएल निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली करना क्या हमें, एल्डिहाइड कीटोन हो तो ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे एक एच जोड़ना है और एक नीचे एच एच जोड़ना है, दो एच जुड़ेंगे। यानी जब एसिड डेरिवेटिव आ जाए तो एच और एच ये तो जुड़ना है, और इस जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसको भी हटा के क्या जोड़ देना हमें, एच जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं CH3COHCl की जगह एच आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड हटा के एच आ जाएगा और ये इसका प्रोटोनेशन। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा इस केस में, देखें। ठीक है, देखना इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है उसको ध्यान रखना, यह है CH3CH2C डबल बॉन्ड। फर्स्ट स्टेप में जब एडिशन एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर एक एच जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा, यही होता है फर्स्ट स्टेप में। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। साथ में इसके हमें एक प्रोडक्ट और मिलेगा, क्या, CH3O-। ये जो लिविंग ग्रुप निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, CH3O-। यहाँ से क्या निकलेगा, Cl- में जो प्रोटोनेट होके HCl बना लेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो CH3 यहाँ से निकलेगा, तो इसमें ध्यान रखना एस्टर के केस में, ठीक है, एस्टर के केस में क्या है कि दो एल्कोहल मिल सकते हैं। यानी एक तो क्या, इसका फर्दर जब हम क्या कराएंगे, जब फर्दर इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, तो ये मिल जाएगा एक तो CH3CH2COH और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, ये तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट। साथ में इसका भी क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा और CH3OH, दो प्रोडक्ट यहाँ से मिलेंगे हमें, मिथेनॉल भी मिलेगा साथ के साथ, हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार पूछ ले कि क्या कौन सा, ठीक है, ऑप्शन, ये रिएक्शन दे देगा और सामने XYZ कोई भी लिख देगा और उसमें ऐसे दे देगा कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो सिर्फ ये लिखा हुआ हो सकता है, सिर्फ ये लिखा हुआ हो सकता है, या ए एंड बी बोथ लिखा हुआ हो सकता है, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, इस केस में देखिए इसी तरीके से, जब OPH- इसमें से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड H+PHO-। ठीक है, पहला एडिशन एलिमिनेशन होने के बाद फर्दर इस पर करेंगे तो ये बन जाएगा CH3COH H और H, और इसका जब हम प्रोटोनेशन कर देंगे तो ये बना लेगा PHOH विच इज फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल प्लस इथेनॉल, दो यहाँ पे एल्कोहल हमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखे इसमें, प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, एक एसिड दे दिया
फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे हमने ले लिया है एनहाइड्राइड। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ से देखो OH निकलेगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर एक H लग जाएगा ये हटके, और एक एक H ऊपर लग जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COH, यहाँ पे OH की जगह H और यहाँ पे भी H। ठीक है, यहाँ आ जाए, देखो कहीं पे भी एक जगह आप रिएक्शन जब करवाओगे इसकी, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो H माइनस है वो अटैक कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वापस ये शिफ्ट होगा, और ये इधर लिविंग ग्रुप निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तीनों स्टेप एक ही बार में दिखा दी मैंने। हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये ऊपर जाएगा, पाई बॉन्ड वापस रिवर्ट करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप इधर से निकल जाएगा। तो इसमें देखना क्या बनेगा, एक तो मैं बना रहा हूँ यहाँ से प्रोडक्ट, ठीक है, और एक ये बना रहा हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास आर वन सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये जो एज ए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकला है, ठीक है, वो बनाया, प्लस यहाँ से मैंने बना दिया आर टू सी डबल बॉन्ड, और इसके साथ क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तो फर्दर मैं क्या करूँगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दूंगा, तो इससे तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा वापस आर टू सी ओ एच एच और एच, तो एक तो प्रोडक्ट मिला ही है। अब ये जो मिला मुझे, आप इसका क्या, इसका पहले क्या कराओगे, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो पहले इसका क्या कराया मैंने, प्रोटोनेशन कराया, तो ये मुझे मिला आर वन सी डबल बॉन्ड ओ एच, हुआ प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो गया यहाँ से, ये बन गया वापस अल्कोहल बन गया, एक तरीके का एसिड बन गया, तो वापस इसके दो स्टेप करवाएंगे, तो ये OH निकल जाएगा और यहाँ से ये भी नहीं, ठीक है, दोनों एक साथ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से करोगे तो आर वन सी ओ एच एच और एच, तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा मुझे और एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट तुम्हें बनाने हैं, तो एसिड डेरिवेटिव के अंदर ध्यान रखना कि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप क्या करो, एक ही प्रोडक्ट बना दिए किसी से भी, या तो R1 से बना दिए R2 से बना दिया, नहीं, ठीक है, ऐसा मत करना, प्रोडक्ट बनेंगे दोनों। ठीक है, एक बार ये जो एनहाइड्राइड का H हटाने के बाद जो हमारे पास ये, ठीक है, कार्बनाइन बनाया, नहीं, ठीक है, इसका फर्दर प्रोटोनेशन कराएंगे, और प्रोटोनेशन कराने के बाद फिर नॉर्मल जैसे किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया, तो इसका फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा, पहली बार में ये OH निकल जाएगा, दूसरी बार में यहाँ पे H और यहाँ पे भी H ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें, इसको कॉपी कर ले एक बार।